दोस्तों क्या आपको पता है जो घड़ी आप अपने हाथ में पहनते हैं उसको किसने इन्वेंट किया था? और भी ऐसे कई इन्वेंशन है जैसे कि टाइपराइटर, गन, मोटरसाइकिल, इन सभी का भी आविष्कार कैसे हुआ था और किसने किया था, यही आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए टाइम पास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बल्ब का आविष्कार। दोस्तों बल्ब का आविष्कार एक जाने माने साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। दोस्तों आपको बता दें कि बल्ब का आविष्कार 1879 में हुआ था। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी से लाइट तैयार होने का आइडिया सबसे पहले हम्फ्रे डेवी को आया था, लेकिन बल्ब के आविष्कार का क्रेडिट थॉमस एल्वा एडिसन को ही जाता है और उन्होंने ही सबसे पहले दिखाया था कि इलेक्ट्रिसिटी से भी लाइट तैयार हो सकती है। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने के लिए थिन कार्बन फिलामेंट का इस्तेमाल करते थे जिसमें बेहतर वैक्यूम्स होते थे, जिससे साइंटिफिक और कमर्शियल चैलेंजेस को खत्म कर दिया और फाइनली बल्ब बन गया। दोस्तों वैसे इस बात में अभी कंफ्यूजन है कि क्या सच में बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, क्योंकि इसका सटीक जवाब नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एडिसन के पहले ही कुछ साइंटिस्ट ने बल्ब का आविष्कार कर दिया था। गन का आविष्कार। दोस्तों गन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि गन, कट्टा, घोड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस गन का आविष्कार कैसे हुआ? नहीं जानते, तो आइए जानते हैं। दोस्तों दरअसल गन से पहले हम गन पाउडर के बारे में जानते हैं, जिससे कि गन बनती है और चलती है, यानी बुलेट्स जो हैं वो गन पाउडर से बनती हैं। गन पाउडर की खोज चीन ने की थी और जंग के लिए इस्तेमाल भी की थी। उसके बाद चीन का गन पाउडर धीरे धीरे दूसरे देशों में भी जाने लगा और गन्स बनना शुरू हो गई। दोस्तों गन पाउडर के बाद बम्बू का इस्तेमाल करके चीन ने ही सबसे पहले गन बनाई थी और उसके बाद धीरे धीरे बम्बू को बदल गन्स में लोहा इस्तेमाल होने लगा ताकि गन मजबूत हो सके। चीन के बाद यूरोप में भी गन्स बनने लगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में गन्स ही गन्स हो गई। मोटरसाइकिल का आविष्कार। दोस्तों मोटरसाइकिल का आविष्कार जर्मनी के साइंटिस्ट गॉटलिड डेमलर और विलहेम मेबैक ने किया था 1885 में। गॉटलिड डेमलर और विलहेम मेबैक ने स्टीम इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उन्होंने इस मोटरसाइकिल का पेटेंट 1894 में अपने नाम किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि ये दुनिया की पहली बाइक थी जिसका नाम हिल्डेब्रांड वुल्फ म्यूलर था। इस बाइक में बिल्कुल साइकिल की तरह हैंडल लगे हुए थे और इस बाइक का वजन 50 किलो था। इस मोटरसाइकिल की जो स्पीड थी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इस मोटरसाइकिल में सिलेंडर का इंजन लगा हुआ था जिसकी पावर 2.5 bhp थी। दोस्तों इस मोटरसाइकिल को आज भी लंदन के साइंस म्यूजियम में रखा गया है। टाइपराइटर का आविष्कार। दोस्तों हम अपने डेली लाइफ में हर वक्त कीबोर्ड का यूज करते हैं, चाहे मोबाइल में हो या फिर कंप्यूटर में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर दुनिया का पहला टाइपराइटर कैसे बनाया गया था। दोस्तों जो दुनिया का पहला टाइपराइटर बनाया गया था वो हमारे कीबोर्ड से बिल्कुल ही अलग था। दोस्तों वैसे तो 16 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक टाइपराइटर बनाने के लिए कई कोशिशें की गई, लेकिन ये टाइपराइटर सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन आगे चलकर एक सक्सेस टाइपराइटर बनने में इनकी बहुत मदद हुई। उसके बाद 19 सेंचुरी में विलियम ऑस्टिन बर्ट ने दुनिया की पहली सक्सेसफुल टाइपराइटर मशीन बनाई, लेकिन ये मशीन बहुत स्लो थी। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि वैसे तो दुनिया का पहला कमर्शियल टाइपराइटर 1865 में रास्मस मलिंग हसे ने बनाया था, जो कि बहुत सारे ऑफिसेस में यूज हुआ था। और उसके बाद में 19 सेंचुरी में टाइपराइटर को सुधारा गया और इनमें और चीजें ऐड की गईं। दोस्तों आपको ये बात कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। घड़ी का आविष्कार। दोस्तों घड़ी का आविष्कार एक बार नहीं बल्कि बार बार हुआ है। पहले किसी ने घंटी वाली सुई बनाई थी, तो किसी ने मिनट्स वाली सुई बनाई। तो दोस्तों घड़ी का आविष्कार ऐसे ही छोटे छोटे स्टेजेस में हुआ था। दोस्तों जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो सूरज की रोशनी की मदद से समय का अंदाजा लगाया जाता था। घड़ी का आविष्कार किसने किया स्पेसिफिक बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि घड़ी हर एक चीज का इन्वेंशन अलग अलग समय में हुआ है। जैसे कि माना जाता है कि 1996 एडी में पॉप सिल्वेस्टर ने घड़ी को इन्वेंट किया था। साल 1288 में इंग्लैंड में भी बड़ी बड़ी घड़ियां लगाई गई थी। उसके बाद 13 सेंचुरी में यूरोप में घड़ी का इस्तेमाल भी होने लगा था, लेकिन उस समय भी आज की तरह ये कंप्लीट घड़ी नहीं थी। घड़ी में जो मिनट्स वाली सुई है उसका आविष्कार साल 1577 में हुआ था और उसे स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी ने इन्वेंट किया था। और दोस्तों आज के समय में हम जो घड़ी पहनते हैं उसे फेमस फ्रांसीसी मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल ने किया था और इन्हें कैलकुलेटर का भी इन्वेंटर कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।